तो दोस्तों, कुकिंग लाइव सुधा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बथुए के अचारी पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। विंटर सीजन में आप इसे मॉर्निंग के टाइम नाश्ते में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लस्सी ली है मसालेदार, और मक्खन लिया है, तो मक्खन के साथ सर्व किया है। और ये हमारा मॉर्निंग का नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी ऐसे बनाइएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो शुरू करते हैं पराठे बनाना। तो यहाँ पर मैंने बथुआ लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और मिक्सी में इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है। तो अब मैं बड़ा बाउल लेती हूँ, उसमें हम बथुए को डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, इसमें आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है, इसमें नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा 1 चम्मच, 2 चुटकी भर हम हल्दी डाल देंगे। अब गुनगुना पानी लेंगे और उसमें हम आटे को तैयार कर लेंगे। और ये मैं हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो अब मैं बाद में डाल रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर देंगे और ये आटा हमारा तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम चिकना कर लेते हैं। और ये आटा तैयार है, तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने अचार लिया है, अचार का जो मसाला होता है उससे हम पराठे बनाएंगे। तो ये हम आटा ले लेते हैं और अब इसको हम बेल लेंगे। ये इनको अचारी पराठे बोलते हैं, तो ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। अब इसके अंदर हम जो अचार का मसाला होता है उसकी फ्लिप भरेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब ये रोटी बना ली है, तो इसमें हम जो मसाला है अचार का उसको हम डाल लेंगे और चम्मच की हेल्प से हम इसको फैला लेंगे। अब रोटी को हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे। और फिर इसकी हम दोबारा से इसको हम लोई बना लेंगे इसकी, ये देखिए ऐसे ही हम इसको बंद कर लेंगे। और इस पर अब सूखा आटा लगाकर इसको हम बधा देते हैं। आप ऐसे ही बनाइए पराठे को, और बच्चों के आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। ये तो सभी को ही पसंद आते हैं पराठे, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, सभी को पसंद आते हैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम पराठे को अच्छी तरह से घी लगाकर दोनों तरफ से सेंक लेंगे। और ऐसे ही दूसरा पराठा मैं तैयार कर रही हूँ। बगैर सब्जी के भी इस पराठे को आप खा सकते हैं। और घी लगाकर अच्छी तरह से हम इसको क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। पराठे को जितना हम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, उतना ही पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है। और ऐसे ही दूसरा भी मैंने बना लिया है, तो उस पर भी मैं मसाला लगा देती हूँ अचार का। और इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे, ये देखिए आप, और इसको ऐसे ही बंद कर लेंगे। सूखा आटा लगाकर इसको भी हम बढ़ा लेते हैं, रोटी बना लेंगे। और ये देखिए हमारा पराठा एक तैयार बनकर, इसको हम दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये पराठे बहुत ही यम्मी लगते हैं, आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, वो खुश होकर खाएंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।